अलैकुम क्लास, एमएस पेंट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने वेकेशन से पहले। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 26 से। सबसे पहले है हमारे पास ब्रशेस टूल, तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स और इफ़ेक्ट के साथ ब्रशेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, आपने कोई भी एक पहले ब्रश सेलेक्ट किया, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से उसका साइज सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कलर सेलेक्ट करेंगे और फिर ये कलर ग्रुप में से कोई भी एक कलर आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, ड्राइंग एरिया पे आएंगे और आप माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करने के बाद ड्रैग करेंगे तो आपके पास शेप ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं कोई और लेती हूँ ये ब्रश स्टाइल और ये कलर, तो आपके पास ये इस स्टाइल में शेप ड्रॉ होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शेप टूल, तो ये आपके पास शेप ग्रुप है, इसमें डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें से आप कोई भी शेप सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले शेप सेलेक्ट की, ओके, उसके बाद उसकी भी हम लोग थिकनेस और साइज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर कलर सेलेक्ट किया, ओके, और फिर मैं ये शेप ड्रॉ करूँगी, सही, तो ये इस शेप में आ जाएगी। अब इसकी ये जो ड्रॉ हुई है ये आउटलाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, तो आउटलाइन के भी आपके पास डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, कि मार्कर कलर में हो, ऑयल में हो, क्रेयॉन कलर में हो, तो वो इस शेप में हो जाएगा। ठीक है, और अब अगर इसे मैंने इसके अंदर कलर करने हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कलर टू को सेलेक्ट करूँगी और इसका कलर सेलेक्ट कर दिया तो वो इसमें। अब ये जो फिल विद कलर है इसमें भी मैं इसको डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकती हूँ। ओके, ये तो ये क्रेयॉन कलर में इसकी जो इनर है वो भी कलर हो गया, सही। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कर्व टूल, तो कर्व टूल ये वाला है। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए भी हमें कलर वन कोई भी कलर सेलेक्ट करके तो हमने इसको ये ड्रॉ की। ठीक है, जब हमने ये ड्रॉ किया, सही है, तो क्या होगा कि अब ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, मैंने इसे कर्व करना है, जिस पॉइंट से मैंने कर्व करना है उसके थोड़ा बाहर आउटसाइड पे मैंने उसको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये लाइन कर्व हो जाएगी और ये सिर्फ टू टाइम्स ही कर सकती हूँ मैं कर्व। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पॉलीगॉन शेप। आपके पास शेप टूल में डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप नीचे जाएं तो आपके पास स्टार और ये सब, लेकिन अगर आपको सिक्स साइडेड फिगर जिसे हेक्सागन कहते हैं उससे भी ज़्यादा साइड की कोई भी फिगर बनानी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पॉलीगॉन टूल, आप उसे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसीजर, उसकी थिकनेस और कलर वगैरह सेलेक्ट किए। ठीक है, आप यूँ एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब जहाँ से आपको दूसरी लाइन चाहिए वहीं उस एंड से आप करेंगे। ठीक है, ओके, तो आप इसकी दूसरी लाइन, ठीक है, ये होगी। फिर आपने जितनी साइडेड फिगर आपने बनानी है आप इससे बना सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास कौन सा टूल है, पॉलीगॉन टूल, सही है। अब अगर आपने इसके अंदर कलर करना है, फिल विद कलर को सेलेक्ट करेंगे, क्रॉन हो जाए या कुछ भी, और फिर तो ये आपके पास कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पॉलीगॉन टूल आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।